नमस्ते दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में गुडमैन कैप्सूल की डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको इस कैप्सूल से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, गुडमैन हर्बल कैप्सूल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करके पुरुषों का स्टैमिना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर के साथ साथ एक्स्ट्रा मसल एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए भी काम आती है। इसका उपयोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म की कमी होना, स्पर्म में एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा दिखना, शारीरिक कमजोरी की वजह से मानसिक जो तनाव आता है उस प्रॉब्लम में ये कैप्सूल काफ़ी अच्छा काम कर लेती है। तो दोस्तों, अब ज़रा डिटेल में जानते हैं कि इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और बाद में देखेंगे कि इस कैप्सूल को कौन और कैसे ले सकता है। तो इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, वंग भस्म, लोहा भस्म, अभ्रक भस्म, सफ़ेद मुसली, खरेटी, सालम पंजा, अश्वगंधा, सालम मिश्री, शतावरी, कपिकच्छू, कुलंजन, सौंठ, सौफ, काली मिर्च, ऐसे द्रव्य शामिल हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स बॉडी की मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, साथ में ही ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अवयवों पे यानी यौन अंगों पे काफ़ी पॉजिटिव काम करते हैं। इसके सेवन से टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में भी काफ़ी हेल्प होती है। दोस्तों, ये 100% हर्बल और नेचुरल कैप्सूल है और इसमें किसी प्रकार के कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या फिर फ्लेवर्स नहीं मिलाए हुए हैं। तो अब बात आती है कि इस गुडमैन कैप्सूल को कौन कौन ले सकता है। गुडमैन अपने नाम की तरह सेक्सुअल ड्यूरेशन को यानी टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जिनका बॉडी स्टेमिना बहुत ही कम है और जो लोग बार बार कमजोरी की वजह से जिनमें ठीक से इरेक्शन नहीं होता, उनमें ये कैप्सूल काफ़ी अच्छा काम कर लेती है। जिनको अच्छी हेल्थ के बावजूद प्रीमैच्योर इजेक्शन बार बार होते रहता है, वैसे लोगों के लिए भी इसका काफ़ी अच्छा उपयोग देखा गया है। शुक्राणु की संख्या यानी स्पर्म काउंट जिन लोगों में कम है यानी ओलिगोस्पर्मिया है, या जिनकी स्पर्म मोटिलिटी कम है, उनमें भी इसके सेवन से काफ़ी अच्छा फायदा देखा जाता है। गुडमैन कैप्सूल के डोज की बात करें तो इसका एक कैप्सूल सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद थोड़े दूध के साथ लेना होता है। वैसे आपको दूध पसंद नहीं है तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। गुडमैन के नॉर्मल डोज के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ आपको है, तो आप इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गुडमैन हर्बल कैप्सूल की। यदि आपको इस कैप्सूल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको वहाँ से इस कैप्सूल से जुड़ी और भी सभी ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रही होगी। आपके गुडमैन कैप्सूल से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।